अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइटनिंग और वाइटनिंग क्रीम के बारे में, जो है फेयर एंड पिंक ग्लो क्रीम, जो कि एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड की है फार्मा हेल्थ की, जिसकी इवेंटोन सी क्रीम के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं और उस पर जो है काफ़ी लोगों ने उसको लाइक भी किया है। तो ये भी उसी कंपनी की है और काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इसके, और क्योंकि फार्मा हेल्थ ऐसी कंपनी जो कि रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फेयर एंड पिंक ग्लो क्रीम जो है उसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अल्फा आर्ब्यूटिन इसके अंदर शामिल है, जो कि नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, यानी मुलेठी का एक्सट्रैक्ट है, जो कि कालमिंग और सूदिंग एजेंट होता है। और उसके अलावा इसके अंदर आंवला का एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर विटामिन सी होता है, हमारे मेलानिन को कम करता है। और इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन सी है, और साथ साथ इसके अंदर विटामिन B3 है, जिसे हम नाइसिनामाइड के नाम से जानते हैं, और मैग्नीशियम है, जो कि स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो ग्रेप सीड ऑयल है और एलोवेरा है, जो कि स्किन के टेक्सचर को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं। हम पहले भी इन इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात कर चुके हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से इसके बहुत सारे जो है वो यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ तो इसका यही है कि ये जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको महीनों में नहीं, दिनों में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके इतने प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट हैं कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही जो है एक इंस्टेंट ग्लो जो है वो अपनी स्किन पे महसूस होता है। उसके अलावा जो है ये आपके स्किन के टेक्सचर को जो है वो अच्छा करता है और स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है हर वक्त। और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये स्पेशली टारगेटेड है डार्क स्पॉट्स के लिए, यानी जो आपके स्किन के ऊपर जो दाग और धब्बे होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। ख़ास तौर पे जैसे कि जो धब्बे पहले से मौजूद होते हैं ये उनको कम करता है और ये नए जो है डार्क स्पॉट्स बनने से रोकता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो SPF 30 भी मौजूद है। SPF 30 मौजूद होने की वजह से ये सूरज से होने वाला जो डैमेज होता है उससे भी स्किन को प्रिवेंट करता है, यानी कि जैसे सन टैन या सन बर्न अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी ये प्रिवेंट करता है। उसके अलावा अगर किसी के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो ये डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर किसी जो 40 प्लस की एज के हैं और उनको फाइन लाइंस या प्री मेच्योर एजिंग हो रही है या उनके रिंकल्स आ रहे हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी के क्लेम के मुताबिक इसके अंदर कोई भी हार्मफुल कंपाउंड ऐड नहीं किया गया, जैसे कि स्टीरॉयड्स, मर्करी या हाइड्रो क्यूनोन, तो ऐसा कोई इसमें हार्श केमिकल मौजूद नहीं है, तो इसको सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई एज सच रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसको आपने अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करके दिन में 2 दफ़ा जो है वो अप्लाई करना है, और सुबह शाम जो है वो इसकी एप्लीकेशन आपने करनी है अपनी स्किन के ऊपर। और उसके अलावा जो है इसको आपको ये हो सकता है कि जैसे रिजल्ट्स जो हैं इसके, वैसे तो आपको इसके बहुत ही जल्दी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने पहले से इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज़ किए हुए हैं या कोई फार्मूला क्रीम्स यूज़ किए हुए हैं तो फिर हो सकता है कि रिजल्ट्स थोड़े से डिले हो जाएँ, वरना इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो हैं वो आ जाते हैं। और उसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स एज सच तो नहीं होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि किसी को माइल्ड इरिटेशन हो जाए स्किन के ऊपर, हल्की फुल्की रेडनेस हो सकती है, या अगर इसके किसी इंग्रेडिएंट से किसी को एलर्जी है तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं।